मुझे तुम तीनों को एक बात बतानी है। एग्जाम का रिजल्ट आ गया क्या? मैं पास हो गई ना। मुंह बंद कर, वो जो कह रही है वो ध्यान से सुन। कल रूम पे जिसने लेटर भिजवाया था उसने एक लड़के को भेजा था। उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनाई। उस आवाज में उसकी सारी बातें सुनकर मैं तो फिसल गई यार। क्या हुआ, क्या कर रही है तू? तूने कहा ना फिसल गई, वही देख रही हूँ, चोट लगी है क्या? ए श्रेया चुप कर यार, तू अपनी बात बता समीरा। वैसे उस वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या है? वो उन बातों से मैं फिसल गई यार। तू तो यहाँ बैठी है, फिसल गई ऐसा क्यों कह रही है? तू बस रहने दे, मैंने ऐसे ही कहा, मजाक कर रही हूँ। हाय हाय, लगता है तुम सभी कुछ खास बात कर रही हो। हाँ बे, दो लफंगे आएंगे उन्हें कैसे धोना है यही बातें कर रहे थे। तुम भी जॉगिंग के लिए आए हो क्या? नहीं, रोड क्लीन करने के लिए आए हैं। तुम दोनों की शक्लें भी ऐसी है। ए, सुबह सुबह इनसे मुंह मत लग यार। तुम लड़कों को यहाँ लाइन मारने आई हो क्या? हाँ बे, पर यहाँ पे कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा है ना। भाई इसने फिर से पंच मारा, वैसे तुम मर्द से कम नहीं लगती हो। हाँ बे लफंगे, तुझे प्यार करना तो दूर, देखती भी नहीं। तुम जैसी लड़कियाँ कहती हैं कि मर्दों को नहीं देखती, फिर तो तुझे ऋतिक चाहिए। ऐसी जगह खींच के मारूंगी ना कि तू किसी काम के लायक नहीं रहेगा। भाई ये लड़की मेंटल हो गई है, भाग यहाँ से। किसे बोला बे? अरे जाने देना, चल। अरे जाने देना, वो लोग आ गए इसलिए मैं चुप हो गई। मेरी कहानी बाकी है। ओ मेरी माँ, तेरी प्रेम कथा खत्म नहीं हुई। उस दिन मैंने उसका फोन नंबर लिया, फिर फोन किया। हेलो, कौन? कौन हूँ नहीं पता। समीरा, क्यों ऐसे फटाफट सारी बातें बोल दी? वो जब प्यार में होते हैं तब कविता लिखना कॉमन ही है ना। ठीक है, लेकिन अब से मुझे फिर डिस्टर्ब मत करना। ठीक है समीरा, नहीं करूँगा। समीरा, वाह 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 वाह, हमें बिना बताए तूने स्टोरी कहाँ तक लिख डाली। हमारे कॉलेज से आने के बाद ये सब शाम में हुआ। वैसे दिखने में कैसा है वो? वो नहीं पता। हा? उनका नाम सूर्या है। वाह वाह वाह, अब इसे रिस्पेक्ट। सूर्या कैसे दिखते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन उनकी बातों से मैं फिसल गई यार। फिसल गई? मजाक कर रही थी यार, तू भी ना। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं, कॉलेज नहीं जाना है क्या? लेट हो रहे हैं। अच्छा श्रेया, तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? नहीं यार, मुझे ये प्यार व्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रिचार्ज के लिए, दूसरा शॉपिंग के लिए, हर लड़के को क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करना ही मेरी पॉलिसी है। ए, ऐसी क्यों बात करती है? सच कह रही हूँ यार, कोई भी लड़का किसी लड़की से सच्चा प्यार नहीं करता, हमेशा उन्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है। लेकिन सब ऐसे थोड़ी होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो लड़कों को यूज करूँगी बस। पर ऐसा करना तो गलत है ना? ये तो गाँव की लड़की है, इसे कुछ नहीं पता। ओए, तुम यहाँ आकर शहर की लड़की की तरह बातें क्यों कर रही हो? तुम भी तो गांव की हो ना। ये जानबूझकर बात कर रही है या अनजाने में बात कर रही है पता नहीं, पर इसकी टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट है। ए श्रेया, तू ऐसे क्या सोच रही है? कुछ नहीं यार, गांव की लड़की बोला तो मेरी फ्रेंड की याद आ गई। उसका नाम महालक्ष्मी है, वो कल गाँव से आ रही है कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। तो फिर अच्छा ही है ना, फिर तू ऐसे क्यों सोच रही है? वो इससे भी ज्यादा बेवकूफ है, गाँव की लड़की है ना, पता नहीं अब वो शहर में कैसे रह पाएगी। मीरा हमेशा भक्ति भक्ति करती है, वैसे तुझे कौन से भगवान जी पसंद है? रावण पसंद है मुझे। मीरा तूने फिर से साबित कर दिया कि तुझे कुछ नहीं पता, तू जिंदगी जिएगी कैसे? कैसे जीऊंगी क्या, धड़कन से जीऊंगी। अरे यार ये कुछ और पूछ रही है, और तू कह रही है कि ऊपर चढ़ के बड़ी हो जाऊंगी। श्रेया ये ऊपर कैसे चढ़ेगी? हाँ वो कोई पेड़ है क्या डाली पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए? हे डाली पकड़ कर चढ़ेगी तो कहीं डाली टूट गई तो फिर? बाप रे, अरे रे। यहाँ सोने के लिए आती हो क्या? रात भर क्या कर रही थी बताओ? रात भर पढ़ रहे थे सर।
देखो ना सर, हमारी आंखें भी लाल हो गई हैं। तुम रात भर कौन सी बुक पढ़ रही थी मुझे अच्छी तरह पता है। कौन सी बुक बताइए सर? फेसबुक? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर, हम सच कह रहे हैं, कल पूरी रात यही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। मुझे पता है, आजकल की लड़कियों को बुक ओपन करने के लिए कहो तो फेसबुक ओपन करती हैं। आपकी बेटी क्या करती है सर? ए, किसने बोला? साइलेंस। ठीक है वॉशरूम में जाके फेस वॉश करके आओ, जाओ जल्दी जाओ। मैंने कहा था ना रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। हाँ यार, रात को जल्दी सोना चाहिए था। तुम जैसी लड़कियाँ ही घर को जलाने के बाद आग बुझाने के लिए पानी ले आती हैं। अब जो हो गया वो हो गया ना यार, चलो। ठीक है चलो ना, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कितनी देर से बात कर रही थी सूर्या से, वैसे क्या कर रहा है वो? मुझसे किसी तरह से आई लव यू बुलवाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तुम उससे प्यार करती हो या नहीं? बस ये मत पूछो। जो भी हो, मेरे घर में ये सब नहीं चलता है। हमें लड़कों से प्यार करना अलाउड ही नहीं है। क्यों, तुम्हारे घर में लड़कियों से लड़कियां ही प्यार करती हैं क्या? मीरा ये ऐसे ही कह रही है, छोड़ ना इसकी बातों को। तुम कह रही हो इसलिए छोड़ देती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब AR एंटरटेनमेंट। देखो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना मत भूलना, हमारे हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगा। कुमारी 21 क्यों बे, ऐसे क्यों देख रहा है? जो भी बोल रहा है बोल। तुम्हें यहाँ सबने गिफ्ट देकर विश किया है और मैं तुम्हें अपनी नजरों से विश कर रहा हूँ। तेरा क्या है, तेरे पास तो बॉयफ्रेंड है, कुछ करने बताने के लिए भी। बेचारी इसका कौन है? ये कार तेरी है क्या? कुछ नहीं, खाना खाया क्या, दूध पिया क्या, सो गई क्या, ऐसे बात करते हैं। हाय महालक्ष्मी। मेरे दोस्त का प्यार अंकुरित होते जा रहा है और धीरे धीरे पेड़ बनते जा रहा है। अच्छा है, चलो फल बनकर गिरा तो नहीं। ये देखो यही है मेरा अपना घर, कैसा है? घर तो अच्छा ही है, लेकिन अपना होता तो और अच्छा होता। क्या मतलब? हाय, प्लीज सब्सक्राइब AR एंटरटेनमेंट। देखो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना मत भूलना, हमारे हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और हम सबको एंकरेज कीजिए। लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कुमारी 21F।